बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं पेठे कद्दू का हलवा तैयार करूंगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो पहले मैं इसे अच्छे तरीके से बॉइल कर लूँगी। इसे मैंने कट कर लिया है और इसी साइज में मैंने पीस कर लिए इसके मैंने, ठीक है। ये एक कप के करीब मैंने चीनी लिया, 2 से 3 मैंने इलायचियाँ ली हैं। तो इसे मैं उबाल करती हूँ। तो प्रेशर में मैंने इसे डाल दिया, ठीक है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से बॉइल करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसे पकाऊँगी, ठीक है। तो हाँ जी, ये देखें हमारा पेठा कद्दू था वो बॉइल हो चुका है। तो मैंने अब इस बर्तन के अंदर इसे ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने इसका जो पानी तो थोड़ा बहुत था वो मैंने अब पुशा करना है, ठीक है। तो साथ ही मैं चीनी ऐड कर दूँगी क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ना है, ठीक है। तो बाद में मैं देसी घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो डाटा घी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो देसी घी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो मैं देसी घी ऐड करूँगी, देसी घी के अंदर ये ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का तैयार होता है। और जो इसका सालन वगैरह है वो लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते इसे शौक से। इतना सालन को नहीं इसका पसंद होता पेठे कद्दू का। तो आप चाहें तो फिर पेठे कद्दू का हलवा बना के घर में खिलाएं सबको मज़े से। ऐसे लगेगा जैसे आप सूजी का हलवा खा रहे हैं। तो साथ आप थोड़ी सी, जब ये तैयार हो जाए तो आप लोग चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी सूजी भी भून के घी के अंदर, तो वो भी आप ऐड कर दें तो वो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। खोया हो तो वो भी ऐड कर लें। मेरे पास नहीं इस वक्त खोया, तो इस वजह से मैं इसे ऐसे सादा ही तैयार करूँगी क्योंकि वो मार्केट से लाना पड़ता है। इधर से मार्केट काफ़ी दूर है, इधर से नहीं मिलता इस वजह से। तो मुझे बस ऐसे काम चलाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में, ठीक है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे आप कमेंट भी करते हैं। मेहरबानी आप लोग की, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, वो खुशक हो रहा है, फिर हम देसी घी ऐड करेंगे। तो इतना टेस्टी तैयार होता है, क्या बताऊँ आपको। जब आप बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रूबी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम बना हुआ है। तो हाँ जी, देखिए पानी जो है ठीक है, तो मैंने कुछ कर दिया। तो अब मैं इसके अंदर जो घी है वो ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप घी ऐड कर लेगा। तो 1 कप मैंने घी ऐड कर दिया। थोड़ी सी मैं गरी ऐड करूंगी, ये मैंने चौक करके रखी हुई थी। तो बादाम मैंने छील ली, छीलिए जब हमारा ये हलवा तैयार हो जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगी बादाम भी। तो 10 मिनट तक मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने इसे भूनना है। जब ये ऑयल छोड़ देगा, घी छोड़ देगा, तो फिर मैं इसे चूल्हा नीचे से बंद कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों के घर दूसरी गैस है, सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करते, तो आप ऐसे प्रेशर में ना भी रखेंगे ना, तो खाली पतीली में आप डाल के उबाइल कर लें, तो उसके अंदर ये पूरी आप इसे बना सकते हैं हलवे को। तो अगर आप लोगों के घर सिलेंडर है तो वो तो फिर पता ही टाइम लग जाता है, तो आप सिलेंडर जब हो तो प्रेशर में उबाल कर लें, वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
और इजी भी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता इसे पकने में। और मैं बादाम है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए मतलब मैंने जो घी था वो छोड़ दिया, तो हम नीचे से चूल्हे को बंद करेंगे। हाँ यह तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। मैं करूंगी नीचे से चूल्हे को बंद। तो हाँ जी, ये देखिए हमारा जो हलवा है कद्दू का हलवा है वो तैयार हो चुका है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोगों ने इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप इसकी रेसिपी शेयर करनी है आप लोगों ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। खाने में बहुत टेस्टी और सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को, बड़ों को, सबको, ठीक है। तो फिर इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।